आज हम इंडियन और वेस्टर्न वेडिंग कल्चर का फैक्चुअल एनालिसिस करेंगे। व्हाइट ड्रेस का कल्चर 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, जब इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया अपनी शादी में व्हाइट ड्रेस पहनी थी। तभी से वेस्टर्न में व्हाइट ड्रेस पहनने का प्रचलन शुरू हो गया। रिंग सेरेमनी एक दूसरे से एंगेज होने का एक द्योतक है। किस सेरेमनी में ब्राइड और ग्रूम एक दूसरे को किस करके अपने लव एक्सप्रेस करते हैं। गार्टर रिमूवल ट्रेडिशन की एक स्टोरी है। पुराने समय में अनमैरिड लोग मैरिड कपल के ड्रेस का एक टुकड़ा अपने घर ले जाने के लिए लड़ाई करते थे। तब से यह प्रचलन में आया। इसमें कपल गार्टर को उछालते हैं और यह माना जाता है कि कैच करने वाला नेक्स्ट कपल होगा। केक कटिंग सेरेमनी में कपल केक का एक टुकड़ा अपकमिंग एनिवर्सरी के लिए स्टोर कर लेता है और वे विश करते हैं कि एक साल के अंदर बच्चा प्राप्त करेंगे। डांस सेरेमनी में कपल का डांस अनिवार्य होता है और सभी फ्रेंड्स भी डांस करते हैं और एंजॉय करते हैं। सारे रिलेटिव्स भी इस पार्टी में सम्मिलित होते हैं और डांस करते हैं। सोरिंग ऑफ राइस एक ऐसा ट्रेडिशन है जिसमें राइस को फर्टिलिटी का सिंबल माना जाता है और यह होप किया जाता है कि न्यूली मैरिड कपल को जल्दी ही संतान प्राप्ति होगी। इंडियन वेडिंग में शादी को एक पर्व की तरह मनाया जाता है। इसमें काफ़ी मात्रा में पैसा खर्च किया जाता है। इंडियन वेडिंग में मोस्टली ब्राइड रेड ड्रेस पहनती है। वेस्टर्न कल्चर की तरह रिंग सेरेमनी कपल का एक एंगेज्ड होने का प्रोसेस दर्शाता है। हल्दी सेरेमनी काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें कपल के बॉडी पर हल्दी का लेप लगाया जाता है। मेहंदी सेरेमनी शादी के ठीक पहले वाली रात को मनाया जाता है और दुल्हन की अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है। इंडियन वेडिंग में संगीत का सेशन काफी एंजॉय करने वाला होता है। इसमें सभी रिलेटिव्स मिलकर डांस करते हैं। मंडप वह प्लेस होता है जहां शादी की सारी रस्में होती हैं। जयमाल ट्रेडिशन में वर वधु एक दूसरे को गार्लैंड पहनाते हैं। यह फंक्शन काफी धूमधाम से मनाया जाता है। सिंदूरदान जन्म जन्मांतर के बंधन का प्रतीक माना जाता है। हिंदुज्म में पत्नी अपने पति की लंबी आय के लिए अपने गले में मंगलसूत्र धारण करती है। वेस्टर्न की तरह राइस फर्टिलिटी का सिंबल माना जाता है, जो यह शो करता है कि वंश आगे बढ़ता रहे। फिर शादी होने के बाद वधू अपने पति के साथ नए घर में चली जाती है। इस तरह से दोनों वेस्टर्न और इंडियन शादी का कंपेयर कर दिया हूँ। थैंक यू। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट।